नमस्कार, मैं हूँ फैयाज, आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संकोट पंचायत में, देवारी गांव में, और यहाँ पे जो है नव निर्वाचित अध्यक्ष पद के बने हैं सहनी समाज के, मुखिया समाज के। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। आपका भी बहुत बहुत बधाई जी। शुभकामना। सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम राजेंद्र मुखिया हुआ, मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय राजेंद्र रामजी मुखिया, घर दभारी, पंचायत संकोट, प्रखंड पंडोल, जिला मधुबनी के हूँ। जी जी। आप अध्यक्ष पद के लिए नव निर्वाचित हुए हैं, अध्यक्ष पद का क्या काम होता है? अध्यक्ष पद का काम होता है, ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति इनका नाम है जी, जो कैबिनेट मेरे अंदर है, और मैं कोई भी प्रस्ताव मेरे पास रखेगा मंत्री द्वारा तो मैं उसको जायज और नाजायज देख करके ही स्वीकृति दूंगा। यही अध्यक्ष का काम, मेन काम यही काम होता है। अध्यक्ष का काम यही होता है जो मंत्री द्वारा जो भी काम, जैसे कि कैबिनेट में वो लिखता माने कर पास करवाता है। जैसे कौन सा काम, जैसे कि बताइएगा। मलाह को जलकर वितरण करना है, मलाह के सरकार द्वारा जो भी फंड आता है उसमें मलाह को देना है, चयन करना है, जो गरीब आदमी है, जो गरीब मलाह है, वहाँ यदि हमको लगेगा जो यह सही मंत्री दे रहा है लोग को, हम उसको स्वीकृति दे सकते हैं। मलाह समाज के लिए और आप क्या करेंगे दूसरे क्षेत्र में? हम लोग को यहाँ पूर्व से बहुत ज़्यादा कठिनाई झंझट चल रहा था मलाह समाज के बीच, विपक्षीय 2017 से लेकर के अभी तक बहुत गलत काम कर रहा था, और वो वजह है जो उसको, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा काम करना है। अभी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ का जो मतदाता सूची है हमको उसको सुधार करना है, क्योंकि बार बार 2017 में जो भी इलेक्शन हुई उसमें यही सूची को लेकर के मलाह समाज के बीच में मारपीट भी हुआ था। इस बार भी वही संभावना था जो मारपीट होने का। हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें अपना पावर लगा करके, शक्ति लगा करके इस चीज़ को रोके, और उस चीज़ को आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करूँगा, इस विभागीय जो DCO साहब है उससे भी आग्रह करूँगा, जो पहले तो सर्वप्रथम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मतदाता त्रुटि को शुद्धिकरण करेंगे। आगे मलाह में हम लोग को जो काम करना है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को काम करना है, जो बहुत समाज यहाँ का पीछे है। सबसे पहले तो महछुआ समाज में शिक्षा का कमी है, उस पर भी हम लोग को ध्यान रखना है। तालाब, ओनली तालाब मलाह के बीच में वितरण करना है, बहुत सारे पहले से पूर्व से बहुत गैर मछुआ के बीच जलकर चला गया है, जो गैर मछुआ उस पर हावी हो गया है, हम लोग को कठिनाई का सामना करना होगा, लेकिन हम लोग करेंगे। और मछुआ के बीच जितने भी तालाब है, जितने भी पोखरा है, वो हम लोग मछुआ के बीच बांटेंगे। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहले प्राथमिकता होगा, सबसे पहले तो किसी को ऊपर उठने के लिए कोई रोज़गार देना है, तो हम लोग के पास कोई रोज़गार तो भी है नहीं। फिलहाल जो हम लोग को सरकार दिया है उस रोज़गार में उसको ले जाना है, तालाब देना है। यदि जो भी मलाह के पास आर्थिक कमज़ोर है उसको हम लोग इसी सोसाइटी के सहयोग से, जो 15% मुनाफा सोसाइटी को होता है, उस 15% मुनाफा में से हमको मलाह के बीच फीड के लिए, बच्चा के लिए, मखाना के लिए सब सहयोग करना है। मैंने मलाह से भी आग्रह करूँगा जो आपको किसी प्रकार का लगे जो हम आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप मेरे दरवाज़ा पर, आपका स्वागत है, आप आइए, मेरे द्वारा जहाँ तक जो होगा, जितना मैं हूँ, सभी आदमी मिल बांट करके करूँगा और आपको सहयोग भी करूँगा, यही मेरा सोच है। कितने मतों से आपकी जीत हुई? हमको इस बार मात्र 27 मतों से जीत हुई है जी। जी, कितनी खुशी मिल रही है? देखिए, खुशी हम सब दिन खुशी हैं, जब मेरा मलाह खुशी है तो सब दिन खुशी हूँ। आज इस पद पर आके खुशी नहीं, खुशी तो होना चाहिए, खुशी तो है वो, लेकिन हम जो मछुआ के बीच, जो मछुआ हमको प्यार दिया, जो मछुआ आगे चढ़ बढ़ के हमको मत दिए, मैं खुशी हूँ। उस वक्त भी खुशी, अभी भी खुशी हूँ, और इससे ज़्यादा खुशी ये रहूँगा जो मेरे मलाह के बीच जो भी पढ़ाई लिखाई, जो भी अशिक्षित है, शिक्षित है, और जो कमज़ोरी है, मैंने उसको दूर करना चाहता हूँ, यही मेरा एक अभिलाषा भी है। कोशिश करेंगे हर आदमी से, हर इंसान से ये कहेंगे मछुआ भाई को, जो आप इस बच्चा को तालाब में नहीं ले जा करके स्कूल भेजें, यही मेरा सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अभी बात कर रहा था राजेंद्र जी, जो नव निर्वाचित जो है मत्स्य विभाग के जो है अध्यक्ष पद पे जीते हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।